नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INDI हिंदी टेक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे TMW वॉलेट के बारे में। जी हां दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि TMW वॉलेट में अब रुपए प्रीपेड डेबिट कार्ड मिलने लगी है। उसमें मैंने आपको लेने की प्रोसेस भी बताया था, लेकिन उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और सारे कमेंट में लगभग बहुत सारे सवाल थे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको TMW वॉलेट में एक नया अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि उस वीडियो में हमने आपको क्या बताया था। तो सबसे पहले हम TMW वॉलेट को ओपन करते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करके इसमें ऑलरेडी हम लॉगिन है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर कार्ड के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा TMW वॉलेट का रुपए प्रीपेड कार्ड शो हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर आपके पास TMW वॉलेट का पुराना अकाउंट है तो आपको यहाँ पर मास्टर कार्ड मिलती है। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि ब्लॉक करके कार्ड को हम ले सकेंगे। दोस्तों मैंने आपको मना किया था उस वीडियो में, क्योंकि अगर आप मास्टर कार्ड को ब्लॉक कर देते हो और फिर से अगर आप नया लेना चाहते हो प्रीपेड कार्ड, तो यहाँ पर आपको रुपए कार्ड मिल जाएगा, यानी कि आपका मास्टर कार्ड खो जाएगा। आप अपना मास्टर कार्ड खो सकते हैं और फिर से TMW वॉलेट में मास्टर कार्ड आपको मिलने वाला नहीं है। तो चलिए मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ कि इसमें कैसे अकाउंट नया क्रिएट करना होता है। और बहुत से लोग कह रहे थे कि इसमें इंस्टेंट KYC नहीं होता है, KYC की कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको इंस्टेंट अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा, इंस्टेंट KYC करके दिखाऊंगा और इंस्टेंट वर्चुअल कार्ड एक्टिवेट करके दिखाऊंगा, जो एक रुपए कार्ड है। तो चलिए यहाँ से प्रोसेस शुरू करता हूँ। तो दोस्तों जब आप TMW वॉलेट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और साइनअप की ऑप्शंस आएगी, तो आपको साइनअप पे क्लिक करना है। साइनअप पे क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, नेम और यहाँ पर लास्ट नेम डाल देना है। यहाँ पर KYC डॉक्यूमेंट में आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके पास है, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपके पास है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट पर जो नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए। मैं आपको बता दूं उसके नीचे रेफरल कोड की ऑप्शंस आएगी, आपको रेफरल कोड एंटर कर देना है और एग्री पर क्लिक कर देना है। रेफरल कोड GAUTD37E00 आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अप्लाई कर देना है। अप्लाई तभी होगा जब आप मोबाइल नंबर एंटर करोगे। तो ये सारा प्रोसेस करोगे, उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो आपके पास एक OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद OTP ऑटो सबमिट हो जाएगा, आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगता है, यहाँ पर देख सकते हैं OTP वेरीफाई ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ टाइम लिया जा रहा है। तो आप देख सकते हो OTP वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको ऑप्शन आएगी MPIN सेट करने की। दोस्तों यहाँ पर आप 4 डिजिट से लेकर 6 डिजिट तक MPIN सेट कर सकते हो अपने मन से। MPIN सेट करने के बाद सिक्योरिटी पैटर्न की ऑप्शंस आएगी, यहाँ पर आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सिक्योरिटी पैटर्न में कलर की ऑप्शंस आएगी, तो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हो। याद रहे जब आप रीसेट क्वेश्चन या फिर फॉरगेट पासवर्ड करोगे तो ये पूछेगा आपसे। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद फाइनली वॉलेट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर बताएगा आपको कि TMW अकाउंट का अकाउंट नंबर IFSC कोड लेना चाहते हैं तो ओके पर क्लिक कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 200 रिवार्ड पॉइंट आपको मिले होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 100 रिवार्ड पॉइंट आपको मिले होंगे साइनअप के लिए, और 100 जो आपने अभी रेफरल कोड डाला इसलिए मिला होगा। तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से रिडीम लगा सकती हैं। ध्यान रहे कि 500 पॉइंट पर ही यहाँ पर रिडीम होता है, चाहे आप 24 के गोल्ड परचेस करो या फिर कैश में रिडीम कर लो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा गोल्ड ही परचेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको 1.5x रिवार्ड के पैसे जो है वो मिलते हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर अगर रिवार्ड पॉइंट की बात करें तो आप लोड मनी करते हो तो, या फिर स्पेंड मनी करते हो, इनवाइट करते हो, वेरीफाई ईमेल करते हो, वर्चुअल कार्ड लेते हो और कुछ भी यहाँ पर गिफ्ट कार्ड वगैरह परचेस करते हो, मोबाइल रिचार्ज करते हो, बिल पेमेंट करते हो, इससे आप रिवार्ड पॉइंट हासिल करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर वर्चुअल कार्ड के बारे में, जो रुपए कार्ड यहाँ पर नए यूज़र के लिए आ चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्ड के ऊपर क्लिक किए तो अप्लाई करने की ऑप्शंस आती है। पहला कार्ड आपको फ्री में दिए जाते हैं, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करिए। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी डाल देना है। ये सब डालने के बाद आपको सिंपल से अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर सारा कुछ डाल दिए, उसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, वर्चुअल कार्ड एक रुपए कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा नया से। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टेंट में रुपए कार्ड एक्टिवेट हो चुका है और मिल चुका है। तो दोस्तों अब तक के वीडियो में हमने आपको बता दिया कि TMW वॉलेट में एक नया अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे इंस्टेंट में रुपए कार्ड यहां पर प्राप्त किया जाता है।
तो दोस्तों अब हम आपको थोड़ा सा लोड मनी करके दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोड मनी होता है। तो सिंपल से आप होम पेज पर आ जाइए, लोड पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लोड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर अमाउंट डालने की ऑप्शंस आएगी, तो आप यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए जितना आप लोड करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस नज़र आएंगे, जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की ऑप्शंस आएगी, यूपीआई की ऑप्शंस आएगी और सेव पेमेंट मेथड जो भी रहेगा वो आपको नज़र आ जाएंगे। नेट बैंकिंग से भी आप लोड मनी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए सेव पेमेंट मेथड पर हम क्लिक करते हैं, सेव पेमेंट मोड पर, और यहाँ पर हम अपना क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करती हैं। उसके बाद हमें CVV नंबर डालने की ऑप्शंस आ रही है, तो हम अपना CVV नंबर डाल देते हैं। दोस्तों CVV नंबर डाल दिए, डालने के बाद लोड 100 पर क्लिक करेंगे। लोड 100 पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी जो है सर्वर डाउन बता रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि TMW वॉलेट में जब आप बार बार ट्राई करोगे तो कभी कभी यहाँ पर सर्वर काम कर जाती है, लेकिन अभी जो है पेमेंट गेटवे पर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसके कारण आप इसमें लोड मनी अभी नहीं कर सकते हैं। हालाँकि 2-3 घंटा बाद आप अगर ट्राई करोगे तो कभी ना कभी लोड मनी हो जाता है। तो साफ तौर पर इस प्रॉब्लम को कब तक फिक्स होने में कितना टाइम लगेगा मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन जब फिक्स हो जाएगी पूरी तरह से मैं आपको कम्युनिटी टैब में जरूर बता दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मिली जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे जुड़ी कोई भी सवाल हो आपके दिल में तो वे ही चक हमें कमेंट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।